तो आज हम लोग जानेंगे सीबीटीसी के बारे में। सीबीटीसी क्या है? सीबीटीसी एक्चुअली मेट्रो रेल में यूज़ होता है, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये सीबीटीसी का फुल फॉर्म है, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? पहले हम लोग देखे थे रेलवे में RRI, EI, PI, बहुत सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम था। तो अब ये नया सिस्टम जो है सीबीटीसी, जो है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो ये कैसे काम करता है? यह एक बाई डायरेक्शनल रेडियो फ्रिक्वेंसी के डेटा कम्युनिकेट करके ये काम करता है। किसके बीच ये डेटा कम्युनिकेट करता है? ट्रेन और कंट्रोल लोकेशन जो है उसके साथ, और ट्रैक में भी। ट्रैक में भी बहुत सारा चीज़ रहता है, वही साइड सिस्टम, उसके साथ वो जो डेटा है कम्युनिकेट करके काम करता है। तो ये मेट्रो में अब देख सकते हैं। तो इसमें ट्रेन कंट्रोल जो चीज़ है उसको ही कंट्रोल करता है ये सीबीटीसी। तो ये ट्रेन कंट्रोल क्या है? ट्रेन कंट्रोल इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच द मूवमेंट ऑफ रेल रैपिड ट्रांजिट व्हीकल्स इज रेगुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय ए कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, सम मशीन लोकेटेड ऑन द ट्रेन अलोंग द ट्रैक इन स्टेशन एंड एट द रिमोट सेंट्रल फैसिलिटीज। दिस एलिमेंट्स इंटरैक्ट टू फॉर्म ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम विद थ्री मेजर फंक्शन। तो ये जो बोला आप, मैं अभी आपको, मतलब क्या है, ट्रेन में भी कुछ सिस्टम लगा होता है, कंट्रोलर के पास भी कुछ सिस्टम लगा होता है, और स्टेशन में भी, ट्रैक में भी बहुत सारा सिस्टम लगा होता है। ये सभी आपस में कम्युनिकेट करके ट्रेन को कंट्रोल करता है। तो ये जो ट्रेन कंट्रोल है, इसको भी हम लोग तीनों सेक्शन में डिवाइड किए। कैसा? पहले है ट्रेन सुपरविजन, उसके बाद आता है ट्रेन प्रोटेक्शन, उसके बाद आता है ट्रेन ऑपरेशन। तो हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेन सुपरविजन के बारे में। तो ट्रेन सुपरविजन जो है वो नेचुरली मॉनिटर करता है ट्रेन का मूवमेंट, कहाँ पे क्या ट्रेन जा रहा है, उसका कौन सा रूट दिया गया है, ये सभी चीज़ जो है ये ट्रेन सुपरविजन के अंडर में जाता है। अभी जो है मेट्रो में आप देख सकते हैं कि 5 मिनट बाद ही आपको ट्रेन मिलेगा। तो इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेन कैसे वो लोग मैनेज कर लेते हैं? इस ये जो मैनेजेबल जो सिस्टम है, ये ब्लॉक के कारण होता है। ये ब्लॉक क्या होता है? दोनों स्टेशन के बीच में जो सेक्शन होता है उसको हम लोग ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। तो पहले क्या होता था? फिक्स्ड ब्लॉक होता था। नेचुरली ब्लॉक दो टाइप का है, एक फिक्स्ड ब्लॉक, एक मूविंग ब्लॉक। ये फिक्स्ड ब्लॉक क्या होता है? जैसे इंडियन रेलवे में यूज होता था, एक स्टेशन में एक गाड़ी है, एक ब्लॉक में एक गाड़ी है, तभी ब्लॉक में कोई गाड़ी नहीं ले पाएगा। जब तक वो गाड़ी ब्लॉक छोड़ के स्टेशन में ना पहुंच जाए, तब तक दूसरा स्टेशन से गाड़ी छोड़ नहीं सकता। ये है फिक्स्ड ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक क्लियर होगा तभी जाके दूसरा गाड़ी ले पाएगा वो लोग। अभी मूविंग ब्लॉक जो है, मूविंग ब्लॉक क्या है ना, एक ही ट्रेन जो ब्लॉक में है उसके पीछे भी और एक ट्रेन आ सकता है। कैसे ना, दोनों ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर टाइम सेम ही रहेगा। मतलब सामने वाला ट्रेन जितना स्पीड में जाएगा, पीछे वाला ट्रेन भी उतना स्पीड में आएगा। मतलब दोनों ट्रेन के बीच में जो दूरी है वो समान रहे। तो इसीलिए ये बहुत सारा ट्रेन एट अ टाइम ले सकता है, जो ये मेट्रो में मूविंग ब्लॉक यूज़ होता है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं ट्रेन सुपरविजन के सिस्टम के अंदर में। ट्रेन सुपरविजन के अंदर मेनली तीन चीज़ होता है, तीन फंक्शन होता है। क्या है? शेड्यूल डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद आता है रूट असाइनमेंट, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ये है तीनों चीज़ जो ट्रेन सुपरविजन में आता है। उसके बाद ट्रेन प्रोटेक्शन। तो ये जो इंडियन रेलवे बोले या मेट्रो रेल, सभी पहले सेफ्टी को देखता है। तो ये सेफ्टी को देखते हुए ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी यूज़ होता है सीबीटीसी के अंडर में। ये ट्रेन प्रोटेक्शन क्या है? ट्रेन प्रोटेक्शन इज़ अ फैमिली हुज पर्पस इज़ टू एश्योर द सेफ्टी ऑफ ए ट्रेन मूवमेंट बाय प्रिवेंटिंग कलिशन एंड डिरेलमेंट, द फंक्शन दैट मेक अप द ट्रेन प्रोटेक्शन। तो ये जो है
तो ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या सेफ्टी वो लोग देखते हैं, ट्रेन डिटेक्शन, ट्रेन सेपरेशन, रूट इंटरलॉकिंग, ओवर स्पीड प्रोटेक्शन, ट्रेन एंड ट्रैक सर्विलेंस। ट्रेन डिटेक्शन मतलब ट्रेन कहाँ पे है उसका लोकेशन, वो है ट्रेन डिटेक्शन। उसके बाद आता है ट्रेन सेपरेशन। ट्रेन सेपरेशन क्या होता है, अभी जो बताया मूविंग ब्लॉक में दोनों ट्रेन के बीच में जो दूरी है वो समान रहेगा हर टाइम, ये जो ट्रेन सेपरेशन है इसको। उसके बाद रूट इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग क्या है वो आपका दूसरा वीडियो में बताऊँगा, बेसिक चीज़ है वो। तो ये इंटरलॉकिंग जो है मतलब मान लीजिए एक ट्रेन एक ट्रैक पे जाएगा तो उसके लिए उसका जो ट्रैक का जो पोजीशन है वो ठीक ठाक रहना चाहिए, मतलब लाइन का कंडीशन ठीक रहना चाहिए, पॉइंट ठीक तरह से सेट होना चाहिए। उसके बाद सिग्नल जो है वो सही कंडीशन पे रहेगा तभी जाके एक ट्रेन ले पाएगा। तो ये जो है ये उसको बोलते हैं हम लोग रूट इंटरलॉकिंग, तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद है ओवर स्पीड प्रोटेक्शन, मतलब ट्रेन जो है ओवर स्पीड मतलब मान लीजिए 100 स्पीड में जाने का बात था वहाँ पे ट्रेन क्रॉस कर गया, तो बेसिकली CBTC में ये नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे ATC यूज़ करता है। ATC क्या है, ऑटोमेटिक ATC बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोलर, ASC ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोलर यूज़ करते हैं वो लोग। उसके बाद आता है ट्रेन एंड ट्रैक सर्विलेंस, मतलब ट्रेन एंड ट्रैक का जो हालत है वो ठीक ठाक है कि नहीं, ट्रेन जाने लायक है कि नहीं, ट्रैक के ऊपर से ट्रेन जो है वो जाने लायक है कि नहीं, ये सब सर्विलेंस होने के बाद हम लोग ट्रेन को वहाँ से ले जा सकते हैं। यही सभी चीज़ को हम लोग ट्रेन प्रोटेक्शन के अंडर में देखते हैं। तो ये है मेन चीज़ ट्रेन प्रोटेक्शन का, जो कि पूरा सेफ्टी के अंदर में आता है। उसके बाद आता है ट्रेन ऑपरेशन, जो कि वाइटल रोल लेता है। ट्रेन ऑपरेशन क्या है, ट्रेन ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ दोज फंक्शन नेसेसरी टू मूव द ट्रेन एंड टू स्टॉप इट एट स्टेशन। मतलब अभी तो CBTC के अंदर ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम आ गया, मतलब ट्रेन ऑपरेशन अभी ऑटोमेटिक होता है, जिसको हम लोग ATO नाम से जाना जाता है, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन। तो ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो अभी मेट्रो में भी देख सकते हैं, अभी आ गया। तो यह तो उसमें भी तीन स्टेज है, क्या क्या, ट्रेन स्टार्टिंग, ट्रेन स्पीड रेगुलेशन, ट्रेन स्टॉपिंग, मतलब ट्रेन को शुरुआत करना है, उसके बाद मतलब चलाना है, उसके बाद स्पीड जो है वो रेगुलेट करना है, उसके बाद है ट्रेन स्टॉपिंग, मतलब ट्रेन को उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे रोकना है। तो यही चीज़ CBTC के अंडर में आता है। तो ये जो है बेसिक चीज़ है CBTC के ऊपर। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि CBTC का फुल डिटेल्स विद वीडियो क्या क्या होता है, कैसे काम करता है सभी चीज़, क्या कौन सा चीज़ को क्या बोलते हैं, कैसे कनेक्ट है और कैसे ये सब कंट्रोल होता है और कैसे मेंटेनेंस भी होता है। तो आज के लिए इतना ही CBTC के बारे में, मैं आपसे मिलता हूँ दूसरा वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।